दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं Amazon Prime की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में। ये वीडियो लाने का मेरा सबसे मेन रीजन है सलमान भाई, मतलब सलमान भाई ने दो बेहतरीन गाने गाए जिसे सुनने के बाद बहुत से लोगों के कानों से खून और बहुत से लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मतलब अगर तीसरा गाना आया तो हो सकता है बहुत से लोग आत्महत्या कर ले, मतलब मैं तो कर ही लूंगा, मतलब परेशान हो चुका हूं मैं उनसे। लेकिन इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए बेहतरीन वेब सीरीज ताकि आप कुछ अच्छा देखें और आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप परम शांति को प्राप्त कर ले। तो बस ज़्यादा बकवास न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार प्लीज़। तो बस शुरू करते हैं। अब नंबर एक पर आती है वेब सीरीज पंचायत। पंचायत वेब सीरीज एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे अप्रैल 2020 में अमेजोन प्राइम पर रिलीज किया गया था, जिसे लिखा था चंदन कुमार ने और डायरेक्ट किया था दीपक कुमार मिश्रा ने। इसमें कुल 8 एपिसोड थे और पर एपिसोड की लेंथ लगभग 35 से 40 मिनट की थी। अगर बात करें स्टार कास्ट की तो इसमें स्टार कास्ट के तौर पर थे रघुवीर यादव जी, नीना गुप्ता जी और साथ में जितेंद्र कुमार यानी हमारे जीतू भैया TVS से। इस वेब सीरीज की कहानी है अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक ऐसे लड़के की जो शहर में रहता है और ग्रेजुएट होने के बाद वो बहुत सी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये जॉब होती है पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव की, लेकिन वो गांव में जाकर काम नहीं करना चाहता लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वो गांव में जाता है और गांव में उसके साथ क्या क्या होता है ये सब कुछ देखना बहुत मज़ेदार है। ये काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है, इसमें काम भी सबका बहुत बढ़िया है और इसे IMDb पर भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। इसे 8.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की एक बहुत लाजवाब रेटिंग दी गई। अब नंबर दो पर आती है वेब सीरीज अफसोस। अफसोस एक डार्क कॉमेडी वेब सीरीज है जिसे इसी साल 2020 में रिलीज किया गया था। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप ने, जो बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बहन भी है। इस वेब सीरीज में स्टार कास्ट के तौर पर थे गुलशन देवैया, सुलग्ना पाणिग्रही, अंजलि पाटिल और हिबा खान। इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड है और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट के लगभग है। अब बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी की तो इस वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही कमाल की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ लोग दुनिया में अमर होना चाहते हैं और कुछ लोग मरना चाहते हैं। ऐसे ही सिचुएशन के ऊपर माइथोलॉजी, साइंस और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बो बहुत ही कमाल की तरह से पेश किया गया है। कॉमेडी, ड्रामा, हर चीज़ आपको इस वेब सीरीज में मिल जाएगी और साथ में काम, मतलब गुलशन देवैया ने बता दिया है कि उनका एक्टिंग टैलेंट बहुत ही लाजवाब है, उनका एक्टिंग स्किल सब कुछ कितनी कमाल की है आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। साथ में IMDb पर भी इस वेब सीरीज को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और IMDb पर इस वेब सीरीज को 7.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई। अब नंबर तीन पर आती है वेब सीरीज पाताल लोक। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे मई 2020 में रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज में कुल 9 एपिसोड है और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग 43 से 45 मिनट के समथिंग है। इस वेब सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है संदीप शर्मा ने और इसमें स्टार कास्ट के तौर पर है जयदीप अहलावत, गुल पनाग, नीरज काबी, स्वास्तिक मुखर्जी और साथ में अभिषेक बैनर्जी। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी की तो इस वेब सीरीज की स्टोरी है CBI द्वारा पकड़े गए 4 अपराधियों की, जिन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्टर को मारने के लिए साजिश रची थी लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा दिया जाता है इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को। अब वो किस तरह इस केस को सॉल्व करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस वेब सीरीज को बनाया गया है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और उसमें साथ ही हाथीराम चौधरी यानी जयदीप अहलावत और साथ में अभिषेक बैनर्जी का काम बेहद ही लाजवाब है। बात करें क्रिटिक्स रिव्यू की तो क्रिटिक्स ने इस वेब सीरीज को काफ़ी ज़्यादा सराहा और IMDb पर इस वेब सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की एक बहुत अच्छी रेटिंग दी गई। अब बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाली वेब सीरीज इनसाइड एज की। ये एक स्पोर्ट ड्रामा वेब सीरीज है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था करण अंशुमन ने। इस वेब सीरीज के अब तक लगभग 2 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 10 एपिसोड हैं। इसके पर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट रखी गई है। अब बात करें स्टार कास्ट की तो इस वेब सीरीज में स्टार कास्ट के तौर पर हैं विवेक ओब्रॉय, ऋचा चड्ढा, तनुज विखानी, सिद्धांत चतुर्वेदी उर्फ MC शेर यानी इनका काम तो भाई साहब कमाल ही होता है और साथ में आमिर बशीर। इस वेब सीरीज की कहानी है क्रिकेट जगत की उस चमकदार दुनिया के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से क्रिकेटर प्रिपेयर करते हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो भाई साहब आपको ये पहली फुर्सत में देख डालनी चाहिए, बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ है। IMDb पर इस वेब सीरीज़ को 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है। अब नंबर 5 पर आती है वेब सीरीज फॉरगेटन आर्मी। इस वेब सीरीज को जनवरी 2020 में अमेजोन प्राइम पर रिलीज किया गया था। इसे लिखा और डायरेक्ट किया था कबीर खान ने। इस वेब सीरीज को बनाने के पहले उन्होंने इस वेब सीरीज के सब्जेक्ट पर लगभग 6 साल तक रिसर्च की थी। अगर बात करें स्टार कास्ट की तो इस वेब सीरीज में स्टार कास्ट के तौर पर है सनी कौशल, MK रैना, श्रुति सेठ और साथ में अखिल अय्यर। इस वेब सीरीज में कुल 5 एपिसोड है और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट के समथिंग है।
इस वेब सीरीज की कहानी हमारे देश की उस जाबाज आर्मी की है जिसे आज सभी लोग भूल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की, जिसका नेतृत्व खुद हमारे देश के सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ये कमाल की वेब सीरीज है और IMDB पर भी इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। इसे 8/10 स्टार्स की एक बहुत शानदार रेटिंग दी गई थी। नंबर 6 पर आती है वेब सीरीज ब्रीथ। ये एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था मयंक शर्मा ने। इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग 35 से 40 मिनट की है। इस वेब सीरीज में स्टार कास्ट के तौर पर है आर माधवन, अमित साध, सपना पाबी और नीना कुलकर्णी। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की, तो इस वेब सीरीज की कहानी एक बाप की और एक सीरियल किलर दोनों की है। क्यों, कैसे, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज है, साथ में इसका डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब है। इसे IMDB पर 8.4/10 स्टार्स की बहुत ही अच्छी रेटिंग दी गई थी। अब नंबर 7 पर आती है वेब सीरीज मेड इन हेवन। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसे लिखा है रीमा कागदी ने और डायरेक्ट किया है नित्या मेहरा, जोया अख्तर और प्रशांत नायर ने। इस वेब सीरीज को IMDB पर काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, साथ में क्रिटिक्स ने भी इस वेब सीरीज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। जैसा कि इसके डायरेक्टर से पता ही चलता है कि ये सभी कमाल के डायरेक्टर हैं, तो ये वेब सीरीज कमाल की होने वाली है। लेकिन मैंने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है, तो अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो क्या है, क्यों है, कैसी स्टोरी है, कैसा लाइनअप है, क्या आपको लगता है वेब सीरीज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 8 पर आती है वेब सीरीज मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसे 2018 में Amazon Prime पर रिलीज किया गया था। इसे लिखा और डायरेक्ट किया था करण अंशुमन ने और इसमें स्टार कास्ट के तौर पर थे पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मेशी और श्वेता त्रिपाठी। ये वेब सीरीज की कहानी उन दो भाइयों की है जिनके पिता एक वकील हैं, लेकिन लड़के पावर और पैसे के चक्कर में अपराध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज है और अली फजल ने अपने काम से इसमें सभी का दिल जीत लिया था, मतलब उनका एक्ट बहुत ही लाजवाब है। नंबर 9 पर आती है वेब सीरीज मेरी फेवरेट फैमिली मैन। ये एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसमें कुल 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लेंथ 38 से 45 मिनट के समथिंग है। इस वेब सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया था राजू टीके ने और उसमें स्टार कास्ट के तौर पर ही द लेजेंडरी एक्टर मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि, शारी भाषमी और नील। इस वेब सीरीज की कहानी उस आम आदमी की है जो अपनी लाइफ में आम काम करते हुए भी सीक्रेट सर्विस में काम करता है और अपने देश के लिए बहुत सारी मेहनत करता है। इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया गया है और एक्ट वाइज तो फिर मनोज बाजपेयी को कौन नहीं जानता। इस वेब सीरीज को IMDB पर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और 8.3/10 स्टार्स की बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 वेब सीरीज ऑफ Amazon Prime। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के नए नए वीडियोस बनाने का। लास्ट में प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पे आओ और सपोर्ट करो। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।